हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम लोग इस इलेक्ट्रिक गीजर को टेस्ट करना सीखेंगे कि इसमें कोई खराबी हो तो किस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे और फिर किस तरह से हम इसे रिपेयर करेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक गीजर है और इसमें करंट यानी इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था, यानी इसके पानी में या इसके किसी भी पार्ट्स को टच करने पर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक गीजर से शॉक लगता है तो हम उसे किस तरह से चेक करेंगे, इसको हम देखते हैं। ये इसका थ्री पिन टॉप है जो हम यहां रखते हैं और ये हमारे पास सीरीज लैंप है। जब हम सीरीज लैंप के इन दोनों वायर को आपस में टच करते हैं तो ये लैंप हमारा ग्लो कर रहा, तो हम यहां चेक करते हैं कि ये हीटर इस वक्त वर्क कर रहा। लेकिन हम इसके किसी भी एक टर्मिनल पर रखते हैं और एक इसके बॉडी पर रखते हैं, ये लैंप ग्लो कर रहा है। यहां और यहां लगाने पर ये अर्थिंग बता रहा है, यहां पर भी बता रहा है और इस पर भी बता रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये करंट एलिमेंट से आ रहा है या किसी थर्मोस्टेट से आ रहा है या कोई वायर इसमें टच कर रहा। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले यहां हम देखें कि ये मेन लीड वायर आ रही है जिसमें से एक न्यूट्रल वायर यहां एक टर्मिनल पर कनेक्ट है, तो हम सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं इस जगह से और इसको भी हमने निकाल दिया। ये गीजर के एलिमेंट से हमने एक पॉइंट यानी न्यूट्रल के वायर को हमने हटा लिया है। ये सीरीज लैंप है, इसको हम इन दोनों टर्मिनल पर रखते हैं तो ये बता रहा है कि हाँ ये एलिमेंट काम कर रहा है। लेकिन किसी एक टर्मिनल पर हम रखें और इसकी बॉडी पर रखें, जैसा कि हमने इसकी बॉडी पर टच किया तो यहां पर भी ये सीरीज लैंप बता रहा। दिखाओ जरा, ये सीरीज लैंप दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो एलिमेंट है यही खराब हो गया है। अगर ये किसी और जगह से होता अर्थिंग में तो हम उसको किस तरह से चेक करेंगे, इसके लिए हम इस दूसरे वाले टर्मिनल के वायर को भी यहां से निकाल देंगे। ये हमने निकाल लिया और अब अगर ये किसी थर्मोस्टेट से अर्थिंग आ रही होती तो यहां से और बॉडी पर लगाने पर ये अर्थिंग बता रहा होता, चाहे इस जगह से चाहे इस जगह से। लेकिन चूंकि बाकी कोई पार्ट्स में अर्थिंग नहीं है यानी कहीं से करंट इस बॉडी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसके सारे पार्ट्स ओके हैं, कहीं से कोई अर्थिंग नहीं है, ये जो एलिमेंट है यही खराब हो गया है। अब इसकी रिपेयरिंग के लिए हमें सबसे पहले इसके हीटिंग एलिमेंट को बाहर निकालना होगा। हीटिंग एलिमेंट जब खराब होता है तो अंदर से ये फैल जाता है, इसके लिए हमको ये असेंबली भी निकालनी होती है। लेकिन हम सबसे पहले हीटिंग एलिमेंट को निकालेंगे, अगर हीटिंग एलिमेंट नहीं निकलेगा तभी हम असेंबली को खोलेंगे। एलिमेंट को खोलने के लिए इस 8 नंबर के गुटके की जरूरत पड़ती है, ये हम इसमें फिट कर लेंगे और फिर इस गुटके की मदद से ये तीनों नट हम लोगों ने खोल लिया है। अब देखते हैं कि ये आसानी से निकलता है या नहीं। तो यहां से ये निकल गया पर इसका एलिमेंट निकल पा रहा है या नहीं, इसको देखो। यहां यहां दिखाओ, एलिमेंट की हालत आप देख रहे हैं, जरा लाइट इस पर पड़े, इसका एलिमेंट बिल्कुल ग्रीन हो गया है और शायद यहां से ये निकले ना। एक बार कोशिश करते हैं, आ रहा ये एलिमेंट इस तरह का निकला हम लोगों का, ठीक है। और ये एलिमेंट अब हमें चेंज करना है, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से सीरीज लैंप से। ये सीरीज लैंप है हमारा, इन दोनों टर्मिनल पर हमने रखा तो ये वर्क कर रहा, लेकिन हम किसी एक टर्मिनल पर और बॉडी पर रखते हैं तो ये देखिए सीरीज लैंप बता रहा। ये टर्मिनल पर रखा और ये इसकी बॉडी पर रखा, ये सीरीज लैंप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है यही खराब हो गया है। अब हम इसकी सर्किट को पहले निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसका पानी निकालना है। ये इसका अर्थिंग का है और ये हमने इसके लीड वायर को यहां से निकाल लिया और ये दोनों इसका थर्मोस्टेट है।
तरह से ये रबड़ भी बाहर आ गया इसका। अब चूंकि इसमें पानी है, यहाँ दिखाओ ये पानी, इस पानी को हम इसको पलट के बाहर निकाल देंगे, ठीक है। हम लोगों ने इसको वॉश कर लिया है इसकी टैंक को, और इस पे जो पानी है इसको हम लोग सुखा लेंगे। ये हमारा पुराना वाला हीटिंग एलिमेंट है, और ये हम लोग एक दूसरा लेके आए हैं जिसकी ये साइज देखनी होती कि बिल्कुल मैच होनी चाहिए, तो इसकी साइज बिल्कुल मैच कर रही है। अब इस हीटिंग एलिमेंट को हम यहां पर असेंबली में फिट करेंगे। इसके लिए हम इसे इस तरह से फिट करते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि इसका जो ये टर्मिनल है वो किस डायरेक्शन में था। तो हमारा पहले डायरेक्शन यही था, तो इसी डायरेक्शन में रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसके रबर की जो गैस्केट है इसको अपनी जगह बैठा लेते हैं। जब ये रबर की गैस्केट अच्छी तरह से बैठ जाए तब हम इसे अपनी जगह इस तरह से डायरेक्शन को देखते हुए, अब चूंकि ये सेम साइज का इसलिए इजीली बैठ गया। इस एलिमेंट का ये तीन वॉशर था जिसे हम यहाँ लगा लेंगे। ये तीनों नट को यहाँ पे लगाने के बाद अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। अगर ये नट लूज रहा तो यहां से लीकेज की बहुत ज्यादा चांसेस होती है, इसलिए इसे अच्छी तरह से टाइट करेंगे, लेकिन इतना भी ना टाइट करें कि इसकी रबर की जो गैस्केट है वो कट जाए। इन तीनों स्क्रू को कसने के बाद हम इसकी कंप्लीट वायरिंग कर लेंगे जिस तरह से पहले ये था। सभी इलेक्ट्रिक गीजर में जो अच्छे होते हैं उसमें दो थर्मोस्टेट लगा होता है। एक ये होता है जिसमें रीसेट टाइप बटन होता है, और ये लगभग 86 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रिप करता है। इसके ट्रिप करने का वक्त तब आता है जब ये हमारा थर्मोस्टेट खराब हो जाता है। इसकी सेटिंग 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, और आमतौर से जब गीजर के अंदर पानी 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होने लगता है तो ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, पर जब ये खराब होता है तब ये ब्रेक करता है। और इसके ब्रेक करने का मतलब ये है कि ये हमारा थर्मोस्टेट खराब हो गया। हम लोगों ने ये तीनों नट अच्छी तरह से टाइट कर लिया, अब एक एक थर्मोस्टेट को यहां पर लगा लेंगे। ये हमारा एक थर्मोस्टेट यहां लग गया और दूसरे को इस जगह पर। इसी के साइज के हिसाब से असेंबली में जगह बनी होती है। ये हमारा इसको प्रॉपरली नीचे तक बैठा देंगे। फेस सप्लाई सबसे पहले हमारी 86 डिग्री सेंटीग्रेड का जो रीसेट टाइप थर्मोस्टेट है उसमें कनेक्ट है, और यहां से ये जो आ रहा है वायर, अगर ये सर्किट ऑन रहती है तो हम इसे इस जगह पर 65 डिग्री सेंटीग्रेड वाले थर्मोस्टेट से कनेक्ट करते हैं। इस थर्मोस्टेट से एक वायर हम लोगों ने इस थर्मोस्टेट तक कनेक्ट कर लिया, और इसी जगह से एक हमारा इंडिकेटर में भी जाता है जो रेड कलर का होता है। अभी हम देखते हैं अगर ये इंडिकेटर सही होगा तो यूज करेंगे, वरना इसे बदल लेंगे। इसके बाद ये फेस सप्लाई इस जगह से आती है और ये चली जाती है सीधा हीटिंग एलिमेंट में, लेकिन यहां पर हम एक ग्रीन कलर वाले इंडिकेटर का एक वायर कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम ये नया इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हम यहां पहले से एक साथ कनेक्ट कर लेंगे और इसको यहां पर जोड़ देंगे। इस तरह से एक इंडिकेटर इस थर्मोस्टेट के पहले कनेक्ट हो गया, और दूसरा इंडिकेटर जो ग्रीन कलर का है वो इस थर्मोस्टेट के बाद यानी एलिमेंट के साथ साथ कनेक्ट हो गया। अब इन दोनों ही इंडिकेटर को, रेड कलर का और ग्रीन कलर का, इसे न्यूट्रल मिलना है, और ये न्यूट्रल हम इस जगह से देंगे जहां पर न्यूट्रल डायरेक्ट सप्लाई आएगी। ये इसका न्यूट्रल सप्लाई आ रही है लीड वायर से, जिसे हम इस जगह कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों हमारा ग्रीन और रेड इंडिकेटर का एक एक वायर हीटिंग एलिमेंट के इस वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। इस तरह से इंडिकेटर दोनों यहां से कनेक्ट हो गए और हमारा न्यूट्रल वायर यहां से कनेक्ट हो गया। अब ये हमारा अर्थिंग का वायर है जिसे हम इस जगह कनेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ
इसको भी यहाँ सपोर्ट देने के लिए इस जगह लगा लेंगे असेंबली के साथ। तो सबसे पहले इसे हम अंदर करेंगे और इसी जगह इस अर्थिंग के वायर को भी कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हम लोगों का ये 3 पिन प्लग है, जहां से एक अर्थिंग का वायर आया जिसे हम लोगों ने बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया, जबकि एक फेस वायर है जो सीधा इस थर्मोस्टेट में गया है और इस थर्मोस्टेट से निकलकर ये दूसरे थर्मोस्टेट में चला गया, जहां से ऑन पोजीशन में ये सीधा इस एलिमेंट में चला जाता है। हमारे पास 2 इंडिकेटर होते हैं, एक ग्रीन जिसमें से एक वायर एलिमेंट के इसी पॉइंट पर देते हैं, जबकि जो रेड वायर है उसके एक वायर को हम लोग इस थर्मोस्टेट के पहले कनेक्ट करते हैं। जब ये थर्मोस्टेट हमारा ट्रिप करता है तब भी रेड इंडिकेटर ऑन रहता है, लेकिन जब ये ट्रिप करता है तो उस वक्त ये ग्रीन इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि पानी गर्म हो गया है लेकिन इस गीजर में सप्लाई पहुंच रही है। ये सीरीज लैंप है और इससे अब हम चेक करेंगे कि इसमें अर्थिंग आ रही या नहीं। अब हम इसकी अर्थिंग को चेक कर लेते हैं, तो इसके इस टर्मिनल पर लगाते हैं और बॉडी में कहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये बताएगा, यानी ये अर्थिंग क्योंकि बॉडी से कनेक्ट है तो ये बता रहा, जबकि इस जगह से ये दोनों टर्मिनल पर बता रहा है और किसी भी जगह कोई अर्थिंग का सिस्टम यहां दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हीटर अब प्रॉपरली वर्क करेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।